笑出了酒窝，爱是雨滴化作糖果，一颗颗洒落，阳光流转在眼波，吻着记忆的段落，好多情节舍不得说，我在心中发热，反复重演清风与星月落满天，小时光岁月长长，慢慢脚步慌不忙，远方的天空暖暖洋洋，像初见时的晴朗，小时光慢一一芬芳，说话中自在的生长，幸福中गुस्सा किया। मैंने उस पे कोई गुस्सा नहीं किया, मैंने बस उससे पूछा कि बात क्या है। मैंने 100 बार पूछा उससे, उसने जवाब नहीं दिया है। उसमें बहुत ईगो है, मैं जवाब क्यों दूं? अरे अगर वो बताएगी नहीं तो फिर मैं समझूं कैसे बात को? नहीं करती बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कर दिया, थक गई। पर काम तो सारा मैंने किया था। मैंने भी। मदद तो की तुम्हारी। चलो नहाते हैं। हाँ? नहीं, मेरा मतलब नहाने के बाद नींद अच्छी आएगी ना, इसलिए। तो मैं जाती हूँ। चलो अब तुम नहा लो। ओके। मैं ये चादर सुखाने जा रही हूँ। आओ मैं हेल्प करता हूँ। मैं कर लूंगी। तुमने तो दोनों चादरें धो दिए, अब रात को सोओगी कहाँ? मैं गद्दे पर ही सो जाऊंगी। मेरे रूम में सो जाओ। हाँ क्यों? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं गद्दे पर सो जाऊंगा, तुम मेरे रूम में सो जाओ। जरूरत नहीं। तुम्हारी मर्जी। पानी चला गया क्या? क्या तुम यहां सोने वाली हो? अरे क्या हुआ तुम्हें? ईयरबड कान में लग गया। दिखाओ मुझे। खून आ रहा है क्या? नहीं खून नहीं है, दर्द हो रहा है क्या? सितुमों के कान सेंसिटिव है। क्या कर रहे हो तुम? टेस्ट कर रहा था। ये कैसा टेस्ट था पागल? देख रहा था सब ठीक है। यही देख रहे थे? मेरे रूम में सो जाओ। नहीं मैं यही सो जाऊंगी। जाओ। मैंने कहा ना जरूरत नहीं।
सितुमो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। सुना था तुम्हें गुस्सा कम आता है, लेकिन मेरे साथ तुम हमेशा गुस्सा रहती हो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे रूम में सोती हूँ। बेड के अलावा मुझे कहीं नींद नहीं आती। सितमो, क्या हुआ? मैं बाहर ही सो जाता हूं, यहां सही नहीं है। सो जाओ, तुम पे भरोसा है। मत करो भरोसा। तो मैं बाहर जाती हूँ। सो जाओ। तुम्हारा हाथ मेरे सॉरी। ऑन है, मैं बंद करके आता हूं। गुई, क्या सच में मैं तुम्हें पसंद हूं? एकदम से ये सवाल क्यों? मैं बस जानना चाहती हूं। आई लव यू। Love you too. कोई बात नहीं, तुम हमेशा कहते हो ना कि थियरी और प्रैक्टिस में फर्क होता है। हाँ, लेकिन मैंने तो थियरी भी नहीं पढ़ी। टीचर उनको ही शर्म आती थी पढ़ाने में, जब वो फिजियोलॉजी के क्लास में हमें एक्सप्लेन करती थी। तो अगर पहली बार में कोई गड़बड़ हो जाए तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, मैं समझ सकती हूँ। क्या तुम चुप रहोगी?
अब इतनी चुप क्यों हो? तुम ही ने तो कहा चुप रहने को। कुछ बोलो। तुम क्या बुलवाना चाहते हो? पता नहीं। मैं गाना सुनाती हूँ। नहीं, सो जाते हैं। बादाम? फेलोपियन ट्यूब के बिल्कुल एंड में, पेल्विक वॉल के पास, यूट्रस पेल्विक कैविटी के एकदम बीच में होता है, उल्टे पियर जैसा। ये सब फूड जैसा क्यों होता है? और ये एकदम फेलोपियन ट्यूब के शुरू में होता है। जल्दी उठ गई तुम? इतनी सुबह सुबह क्या देख रहे हो? स्टैनफोर्ड कॉलेज की लाइव क्लास। कैसी क्लास? तुम्हें लगता है मुझे समझ आएगा ये? तुम क्या सुन रहे हो? सेक्सुअलिटी के बारे में। ये सब इतनी सुबह सुबह क्यों पढ़ रहे हो? लगे रहो। तुम कहाँ जा रही हो? काम पे जाना है। पर आज तो तुम्हारा ऑफ है ना? शुजर ने बोला लीव कैंसिल करके ऑफिस आओ, कुछ जरूरी काम है। मैं भी चलता हूँ। रहने दो, काम करो, आराम से करो। जेर, मोमो, जल्दी मेरे साथ आओ। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? अरे पूछो मत, मेरे साथ आओ। हुआ क्या? ज्यादा मत बोलो, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। अय्या, इतनी जल्दी किस बात की है? पता है मैंने क्यों बुलाया है? हुँ? उस एडवर्टाइजिंग कॉन्टेस्ट के नाम शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, हम दोनों का प्रोजेक्ट भी। सच में? कहाँ देखने को मिलेगा? जल्दी मत करो, पूरी बात सुनो पहले। क्या हुआ? पर हमारा नाम कहीं मेंशन नहीं हुआ। क्यों? क्या हमने दिया ही नहीं, या उनसे कोई गलती हो गई हो? नहीं, बस कंपनी का नाम लिखा है। तो बदल देते हैं। पागल हो गए हो क्या? हमने उसमें कंपनी के नाम से ही पार्टिसिपेट किया था, अब वो बदल नहीं सकते। तो अब कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने जानबूझ के किया। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया, कुछ सोचते हैं मिलकर। मिस साशा से बात करते हैं। वहाँ मिस साशा का भी नाम है, क्या कहेंगे उनसे जाकर? तुम्हारा मतलब
मुझे नहीं पता, हमारी एक मीटिंग भी है, शायद इसके बारे में ही बात होगी। देखते हैं वो क्या कहते हैं। और क्या कर सकते हैं, चलो। हेलो गुवेई, कल हमारा एग्जाम का रिजल्ट आएगा, तुमने पेपर पर टिक किया था? कौन सा मार्क? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? तुमने वो जर्मनी वाले पेपर पर टिक नहीं किया क्या? नहीं। चलो मैं कर देता हूँ। तुमने पहले क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा? मुझे याद नहीं है। हाय, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं उसे कुछ देर बाद डायल करें। मैं पढ़कर बताता हूँ, तुम लिख लो। पहला क्वेश्चन, कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर अगर कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड से 60% कम है तो फिर टोटल एनर्जी कितनी लगेगी? 0.25 टाइम्स। अच्छा, अगर ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनका स्टैटिक मास जीरो नहीं है तेज स्पीड में मूव करते हैं तो पार्टिकल की वेवलेंथ और स्पीड में क्या रिलेशन होगा? हेलो, चलो कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं। वो ऑरेंज जूस एड काफी कामयाब रहा और उसके लिए मोमो को क्रेडिट जाता है। उस प्रोजेक्ट में मोमो ने बहुत अच्छा काम किया, क्लाइंट भी काफी खुश था हमसे। एक और बात, फोर्थ क्रिएटिव डिपार्टमेंट का आर्ट वर्क फाइनल राउंड तक पहुंच गया है उस एडवर्टाइजिंग कॉन्टेस्ट में। मोमो जेयर, आप दोनों ने सच में कमाल कर दिया है, तो हमने फैसला किया है कि इन दोनों को परमानेंट किया जाता है। कांग्रेचुलेशन। अच्छा, एक और प्रोजेक्ट की बात करनी है, आने वाले प्रोजेक्ट की। लीना, तुम्हारा क्या प्रपोजल है अगले प्रोजेक्ट के लिए? मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करती हूँ। अब हम क्या करें, बस इतना मिला हमें, हम परमानेंट हो गए। हाँ, शायद वो चाहते हैं हम ऐसे ही मजदूरी करते रहे। आज तुम जल्दी आ गई, मैं लेने आने वाला था। क्या हुआ है, थक गए क्या? तुमने कॉल किया था क्या मुझे? कितना ट्राई किया मैंने, काफी देर तक बिजी थे। किसका फोन था? जोले। ओ, क्या हुआ? क्या बात है? हार्वर्ड ओपन क्लास ने कहा हग जरूरी है। हार्वर्ड ओपन क्लास? टच, स्लीप और हग के बारे में सिखा। तो
तुम अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे अभी। क्या? पीछे हटो। अरे क्या हुआ? तुम गुस्सा क्यों हो गई? खुद से सोचो। शायद इसलिए। क्या? साफ साफ बोलो, मैं समझा नहीं हूं। साफ साफ बोल दिया तो मुंह बन जाएगा। मेरा मुंह क्यों बन जाएगा? तुम्हें पता है मेरा मूड खराब है, फिर भी तुम वो सब करना चाहते हो मेरे साथ। तो तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? रहने दो। भाड़ में जाओ। क्या हम सच में यहाँ करने वाले हैं? हाँ, यहाँ पैसा नहीं लगता। लगता है मैं गरीब हूँ। चुप करो और शुरू करो। कहाँ गया? मिल गया। शैनशैन, हम हमेशा ऐसी जगह जाते हैं जहां पैसा कम लगता है। तुम्हें बुरा लगता होगा ना? चलो अब ऐसा करते हैं, जल्दी से कैलकुलेट करके अमाउंट लिख लेते हैं। अच्छा, मैं बोलता हूँ तुम कैलकुलेट करना। सॉफ्टवेयर का 20,000, महीने का किराया 4,800, 6 महीने का हुआ 28,800। टोटल 389,300। 80,000 से ज्यादा है, हमारे बजट से बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है? चलेगा। मेरे पास कुछ जर्सीज हैं, लिमिटेड एडिशन। कितना कम लोगे जर्सी से? मेरी मॉम ने कहा था वो अपनी ज्वेलरी बेच देंगी। नहीं, मॉम को परेशान नहीं करूंगा, मैं अपना ही सामान बेच दूंगा, वही काफी होगा। इस बिल्डिंग में एक मंदिर है। ये व्हाइट टॉप वाली लड़की ही मास्टरमाइंड है। ए, तुमने अभी खत्म नहीं किया है।
इस पिक्चर का कलर थोड़ा अजीब सा है ना? मुझे भी लगा, मैंने कई बार बोला उन्हें ठीक करने को, फिर भी ऐसा है। मोमो को बोलें क्या? वो कर देगी, उसे ये सब बहुत अच्छे से आता है। ठीक है। मोमो का ही फोन आ गया। हेलो। मैंने बहुत मेहनत की उस प्रोजेक्ट पे और उस पे मेरा नाम भी नहीं आया, उसने मुझ पे गुस्सा किया। बहुत ईगो है उसके अंदर, अब मैं क्या बोलूं? मैंने उससे बार बार पूछा, 100 बार पूछा, उसने जवाब ही नहीं दिया। उसमें बहुत ईगो है, मैं क्यों जवाब दूं? मुझे फर्क नहीं पड़ता, बहुत हो चुका उसका। ठीक है, नहीं करते बात, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं क्यों माफ़ी मांगूं? मैंने गलत नहीं किया। वहाँ माफ़ी मांगना जहाँ मैंने कुछ किया नहीं बेफिजूल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, डरता नहीं हूँ किसी से। मैं नहीं डरती, मैं माफ़ी नहीं मांगने वाली। मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ। सितुमो, क्या हुआ? तुमने मेरे दरवाजे पर नॉक क्यों किया? मैंने नहीं किया। तुमने किया? मैंने नॉक नहीं किया। पर मैंने सुना तुमने नॉक किया। डराओ मत मुझे। शायद हो सकता है किसी और ने नॉक किया हो। अच्छा, मैं मजाक कर रहा था। आई एम सो सॉरी, ये मेरा ही फॉल्ट था। सुनो, अब मान भी जाओ ना। छुओ मत मुझे। तुम रो तो नहीं रही ना? तुम रोना मत। नहीं रोई। ओके, ठीक है। तुम मुझे काट सकती हो। पागल क्यों हो? आज हुआ क्या था? मेरा डिजाइन सिलेक्ट हो गया, पर उस पे मेरा नाम नहीं लिखा गया। क्या नाम क्या था उस कंपटीशन का? गोल्डन पिन एडवर्टाइजिंग डिजाइनिंग कॉन्टेस्ट। क्यों पूछ रहे हो? मैं उनकी वेबसाइट हैक कर लूंगा और प्रोजेक्ट्स पर तुम्हारा नाम लिख दूंगा। पागल। सिंपल है, सच में उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। रहने दो। तो फिर तुम ही कुछ बताओ मुझे। स्नेल्स पाउडर कहाँ गया? एक पैकेट बचा हुआ था, कहाँ गया?
तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? कल गई थी तो आज ऑफ मिल गया। तो मैं लैब जाता हूँ। ओके, फिर कैंपस में मिलते हैं। आज हम डिनर साथ में ही करेंगे, है ना? तुमने स्नेल्स पाउडर देखा क्या? एक पैकेट होना चाहिए था। कल तुमने खाया तो सही। हाँ, पर एक और होना चाहिए था, बहुत मन है खाने का। गोवी, तुमने मेरा स्नेल पाउडर देखा या नहीं? ऊपर वाले कबर्ड में है। नहीं है, मैंने देख लिया। हाँ, ये रहा। तुमने यहाँ क्यों रखा? वो मैंने जानबूझकर रखा था। क्योंकि तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी और मैं चाहता था तुम गिड़गिड़ाओ। गुवेई, तुम यहाँ हो? आज रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, डर लग रहा है? नहीं, मैं तुम्हें बोलूं, मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा एग्जाम दिया था। कल जब मैंने तुम्हारे आंसर्स देखे, मुझे लग गया मेरे नंबर तुमसे ज्यादा होंगे। और एक बात और, सीनियर लू भी मुझसे अब अच्छे से बात करती है, क्योंकि वो जान गई है कि मैं ही जर्मनी जाऊंगा। अब हम दोनों को साथ में ही काम करना है, इसलिए वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है अब। क्योंकि मैंने उससे कहा कि तुम किसी का खून भी कर सकते हो। गुवेई, ये क्यों कहा? तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। उसने तुम्हें दोबारा परेशान नहीं किया, है ना? हाँ, सच में। अब लैब के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। मैं अब कभी लैब में नहीं सो पाऊंगा। सीनियर लू कितनी रूड है। अरे तुम यहीं हो? प्रोफेसर यांग, आ गए आप? आपके पास रिजल्ट्स हैं, आप अभी बताएंगे ना हमें? अरे आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओके। प्रोफेसर, क्या कर रहे हैं आप? जल्दी से बताइए ना। देखो, जीयूएन अभी बाहर है, उसे भी आने दो, हैं? क्यों? सबके सामने बताना चाहिए, है ना? ओके। सीनियर, प्रोफेसर यांग, वो आ गई। प्रोफेसर ने कहा तुम्हारे आने पर ही वो अनाउंस करेंगे। अनाउंसमेंट? हाँ, तो हम सब यहाँ आ गए हैं। मैं उस एग्जाम का रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा किया है, उम्मीद से ज्यादा। खासकर जाउलिया ने, तुमने फिजिक्स के आंसर भी अच्छे से दिए, एकदम फिजिक्स स्टूडेंट्स जैसे ही। लेकिन देखो, गुवाई जो है वो फिजिक्स का स्टूडेंट है, उस कोर्स के मामले में उसका स्कोर तुमसे ज्यादा है। इसने थोड़ा अच्छा किया, तुमसे इतने ज्यादा नहीं, थोड़े से ज्यादा है, ज्यादा नहीं। पर कितने? अरे कुछ ज्यादा नहीं, अगर मैं यहाँ देखूँ तो उस पेपर के हिसाब से 10 से थोड़े और ऊपर, 10 से ज्यादा है। 19 मार्क्स? नहीं हो सकता। आपने ठीक से चेक किए? जोले, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो गुवेई जो है वो फिजिक्स का ही स्टूडेंट है, समझ रहे हो? रिजल्ट देखकर लगता है वो फिजिक्स तुमसे ज्यादा जानता है। अभी एडवांटेज है उसकी, लेकिन मेरी बात मानो, एक दिन तुम भी सब कुछ सीख जाओगे और उससे ज्यादा स्कोर करोगे, समझे? चिंता मत करो। मैंने कल ही इसके आंसर्स देखे थे, मेरे आंसर्स इससे बेटर थे।
ये नहीं हो सकता। मेरे ऑफिस में आओ। ठीक है। देखो ये फॉर्म्स जो है तुम दोनों के लिए है, इन पर सब कुछ लिखा है, घर जाकर अच्छे से पढ़ना इनको। ठीक है, तुम दोनों के लिए बॉडी चेकअप और वैक्सीन जरूरी है। ठीक है। ठीक है, बस इतना ही, तुम जा सकते हो। हो गया? हाँ हो गया। चलो अच्छा है, और तुम दोनों जरा जोलिया का ख्याल रखना। वो थोड़ा उदास है तो ध्यान रखना उसका। तुम जा सकते हो। जरा रुकिए, क्या अपने घर पर बता दिया है? यहाँ एक फीमेल स्टूडेंट थी, एक दिन उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गए, जबकि वो एक महीने से जर्मनी में थी। उनको पता ही नहीं था बेटी कहाँ है। मैं घर में बता चुकी हूँ। मैंने अभी नहीं बताया। तुम कंफर्म नहीं था तो क्यों बताता? वेल गुवई, तुम्हें लगता है कि जूले को जाना चाहिए? हाँ वो भी अच्छा कर लेता, लेकिन मैं हमेशा अपने फैसले खुद लेता हूँ। फैसला लेकर मैं अपने घर पे बता दूंगा। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या, उसको बताया तुमने? नहीं बताया उसे।眼中的讯号，嘟嘴的小骄傲，是你专属表情包。爱你的语调，爱你的撒娇，爱你的微笑，哦，爱你的拥抱。你猫咪般讨好，我防御全部无效，这感觉谁都替代不了。勾着手，一步一步，一步一步，你身边。环绕，感觉到爱一点一点一点点的明了，庆幸和你遇到，睡着都会偷笑，就是如此让我心跳，让甜蜜一天一天一天一天慢慢的发酵，烘焙出浪漫的味道，这甜度刚刚好，像一口吃手，一步一步一步一步你身边环绕，感觉到爱一点一点一点点的明了，庆幸和你遇到，睡着都会偷笑，就是如此让我心跳，让甜蜜一天一天一天一天慢慢的发酵，烘焙出浪漫像一口吃饱。